17 अप्रैल से अगस्त क्रांति मंच नई गढ़ी इलाके में 22 मांगों को लेकर आमरण अनशन करेगा। यह आमरण अनशन तहसील प्रांगण नई गढ़ी में प्रारंभ किया जाएगा। अगस्त क्रांति मंच के कुंज तिवारी ने पत्रकार वार्ता करके कहा, मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन जारी रहेगा। नई गढ़ी के 76 पंचायत की जनता की पीड़ा और व्यथा सुनने के लिए आए हैं। समस्याएं तो हर जगह है, लेकिन अगर पूर्ण मनोयोग से समस्या के खिलाफ इस समस्या का निदान हो और जनता के हित के लिए प्रयास किए जाए, और जब निदान ना हो तो आदमी कितना व्यथित होता है। ये आप सब देखिए, 4/4/23 को भी एक पत्र दिया गया और नई गढ़ी की जो बेसिक समस्याएं हैं और वहां की नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष और निर्वाचित जनपद सदस्यों और सरपंचों द्वारा उस समस्या के निदान के लिए जो 9 महीने में प्रयास किए गए, उससे संबंधित, पेयजल से संबंधित, और जो अराजक कानून व्यवस्था है, राजस्व की है, किसान की है, मजदूर की है, और आदिवासी मुद्रिका जिनकी हत्या कर दी गई, उनके परिजनों को न्याय मिला नहीं मिला, उससे है, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, किसानों, सारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया और 10 दिन का टाइम दिया गया कि इसका निदान हो। और यहाँ के प्रशासनिक स्तर से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, सब जगह इसको भेजा गया जिसकी ये रिसीव कॉपी। जब कोई निराकरण नहीं हुआ तो 22 सूत्री मांगों को लेके 13/4 को हम लोगों ने आमरण अनशन का, जैसे पूर्व में कहा गया था 10 दिन में अगर निदान नहीं होगा तो आमरण अनशन होगा, और ये दे दिया गया है। 22 सूत्री हमारी मांगे हैं, मांग की कॉपी आपको दे दी गई है। मूल है कि विद्युत की समस्या हमारे क्षेत्र में, आप सबने देखा होगा कि हमारी समस्याओं पर दोहन करके और लोग मेडल ले रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में राजस्व का जो संकलन हुआ है उसके लिए एमपी के जो लंबी है पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रीवा आए थे और यहाँ के अधिकारियों को मेडल देंगे, लेकिन ये सफलता ये मेडल ग्रामीण अंचल के गरीबों को चूस के लिया गया, क्योंकि अगर 4 महीने ट्रांसफार्मर जले थे तो बिल कैसा। आप लोग 10 आदमी अगर किसी चीज का भुगतान करते हैं तभी 10 का पेमेंट करते हैं, पूरे गांव का नहीं करना होता, लेकिन 10 लोगों ने बिल दिया और 5 लोगों ने बिल नहीं दिया, पूरे गांव की आई काट दिया। बिजली के बिल मीटर नहीं लगे, पूरी जनता बोलते मीटर लगाओ, जो उपयोग हम करें उपयोग के अनुसार आप बिल लो, कहीं मीटर नहीं है, 3200-3600 बिल लिए गए, विद्युत उपभोक्ताओं की हो गई। नई गढ़ी क्षेत्र तंत्र के शासन द्वारा जो नल जल योजना 3 लेयर की, जैसे कि निरंतर आप सबसे 1 साल से हम लोग रो रहे हैं, मुख्यमंत्री नल जल योजना और फिर ये ढिलोरा पीटा गया जल जीवन मिशन का, और आप सबने, मीडिया के साथियों ने और जागरूक लोगों ने देखा कि जिसको ठेका मिलता है तो लगभग 5 लाख का होर्डिंग रीवा में सिरमौर चौराहा से लेकर नए बस स्टैंड तक, और अपने राजनीतिक आंकड़ों के चेहरे पे फेर लवली लगाने में शुरू में 5 लाख 10 लाख खर्च कर दिया, लेकिन कहीं भी कई करोड़ खर्च करने के बाद आज तक पानी नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हैंडपंप का भी उत्खनन हुआ, इसी बीच में टैंकर से भी पानी दिया गया, लेकिन जनता आज भी प्यासी है, पानी के बगैर जीवन अधूरा है। कबीर ने दोहा भी लिखा था रहीमदास जी ने, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नहुबरे मोती मांस चून। जहां पे 5 फीट में पानी हमारे क्षेत्र में रहता था, आज 500 फीट में नहीं। आखिर इसका दोषी कौन है? हैंड पंपों के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ यहाँ पे, इससे पूर्व पंचायतों में भी गए चौधरी तक, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय, और पंचायतों में भी पूर्व में अधिकार के हैंडपंप उत्खनन हुए।
इन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।